वीर जी, मैंने जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं। ताया जी जान तो पहला भावे ये सब कुछ मेरे नाम करके, पर ये सब कुछ हमेशा थोड़ा ही रहेगा। ताया जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, ते हुण मेरी वारी है कि मैं उन्होंने दी जिम्मेदारी नु पूरा कर सका, इसलिए मैं इत्थे आया हूं। वीर जी ना, की मतलब है तेरा? हुण साडे हुंदे होए इस घर दी जिम्मेदारी तू चुकेगी? ओ बेटी सबर रख, सारियां गल्लां दसांगे। ये तो बेचारी हले आई है, बस इना ख्याल रखी भी इहनू घर वर्गा महसूस होवे। ठीक है, आ भैणे आ जा, आ मैनू खा ले, आ जा चल बेटी चाह बना ला। आहो मैं ढाबा खोल रखे ना, चाह बना ले। अब देख ला, अब बुढ़े जाते जाते भी पंगा पा गया। बड़ा सोहना पंगा पा के गया। आहो चंगा होया दुर्गा तू इत्थे आ गई, नहीं तो बापू जी दे जान मगरों घर खाण नूं पैंदा सी। काश वीर जी मैं उन्होंने एक बार मिल पाती। सच्ची ताया जी मेरे लिए सब कुछ सी। ओ भैने तू फिक्र ना कर, असी हैगे ना तेरे भरा, तू रवाना रोटी खा, आ जा आ जा। ओ मैं फोन सुन के आया, बैठ आ जा बैठ। सच्ची अंदर तक अग लगी पई है, पता नहीं बुढ़ा सारा कुछ है ना किवें कर गया। ना उन्होंने अपने पुत नहीं दिखे, ना अपनी पोतियां दिखिया। गल्लां देख लै केड़ियां कर दे, एवें ना करियो, एवें तो मेरा सारा घर बार बिक जाना है। ना ना ना, मैं मंदा जी पर मैं कितने भजते नहीं रहा ना, तुसीं थोड़ा जा टाइम दे दियो मैनू बस। हाँ हाँ मैं करदा जी करदा। की होया बापू जी, की होण लग्या जी अपने घर बार? मेहर नू मनाना है ता अज मैनू घर आ लिया ना, झूठ बोलना ही पैना है। बापू जी दसो ता सही, होया की आ, तुसी बोल क्यों नहीं रहे? पुत्र मेरा एक दोस्त सी, उन्हें बैंक तो कर्जा लिता सी, ते मैं गारंटी दे बैठा, वो पैसे लेके भज गया, सारा कर्जा मेरे ते आ गया। जे मैं बैंक नू पैसे ना मोड़े ना तो ये सारा घर बार चला जाना। ले एदे च कड़ी वड्डी गल है, तुसी भी भजो। माता चिंतपुर्णी मेरे बाबू जी की मदद करो। ओ बापू जी ओ लोन किन्ने दा सी ये तो दस दो। 25 लाख का। इन्ना वड्डा बोझ मेरे मोढ़ियां ते पा गया। बाऊ जी तुसी एक तो बाद एक बोझ ले जाने हो, ते मुसीबत साडे लई खड़ी कर दिंदे हो। बापू जी तुसी पुराना बोझ उतार दो, ये बोझ आपे ही घट जाए। मतलब तेन पता भी है तू की कह रही है? बोलन तो पहले कुछ तो सोच लिया कर। क्यों एह जे की गलत कहता बापू जी ने? ना साडा इहदे नाल खून दा रिश्ता, ना रिश्तेदारी दा, फिर असीं इस नाप दा बोझ क्यों ढोईए? खाण नूं भी बराबर दा दिओ, पाण नूं भी बराबर दा दिओ, ना जे कल नूं हिस्सा भी बराबर दा मंगण लग गई फिर की करांगे? हाय मैं मर जा, साडी धीआं दा की बणूगा, उह तां रुल जाणगे। आ बगानी दा करी जांदे बापू जी, कदे साडी धीआं बारे भी सोचिया तुसीं? कर्जा तुसीं आप दवाया सी ना बापू जी, तां इहनूं तारण दा हिला भी तुसीं आप ही करो। बस इह घर नहीं विकणा चाहीदा, तुहाडी गलतियां दी सज़ा असीं सारे क्यों भुगतीए? चल किटी चल बेटी। बापू जी वैसे तो मैं बगाना, जे मेरे वालों मदद की लोड़ पई ना तो मैं भी नहीं कर सकता। बुरा लग रहा पर माफी चाहना। जे पहले ही सारा कुछ साडे ना करता हुंदा तां अज आ दिन नहीं सी देखना पैना बापू जी। हाँ ठीक है फिर वीरे, जे प्रधान बने ने तो फिर सामभण प्रधान की है। वो तो जेड़ा होना सी हो गया, आ वेखी की होई जांदा गा, किवें दोवें भरा मूँह च बुरकियां देई जांदे। तैनूं उन्हां ने कदे पानी भी पुछे? सच कहा वीरे, असीं तां अर्श तो फर्श ते आ गईआं, मेरा तो कदे कदे ऐं डर लगदा कि सानूं इस घरों बाहर ही ना कढ देवे। तां वी बोलिआ कर, तूं कदे ऐं किवें कढ दूगी? आप रहना तां रही जावे, सानूं क्यों कढूगी?
जे गल है ना तो एक गल मैं भी दस दिनी हाँ जिमें असी मेहर न रख दिया ना उवें इनू रखू कला कला घर का कम करवाऊ ए तो हो भी कर दी मालकन पर मैं तो इन नौकरानी बना के रखू एह अगो सोची भी ना मेरे ना तो तुसी बहुत माड़ा कर दिया रही हाँ इस नाल मैं वो कुछ नहीं होने देना सगी भैन बना के रखना इस घर विच सुन गया ना मैनू तो सब कुछ ही सुन गया पर शायद थोनू कुछ नहीं दिस रहा आ देख लो सारा घर बार थोड़े हाथ च लै गई ते तुसी पका पका के रोटियां खवा रहे हो ये सब ना बापू जी की कमाई का बनाया हुआ तो जो भी फैसला करके गए ना सोच समझ के करके गए उन्हां दा हर फैसला साढ़े सिर मत्थे है ते हाँ जिनी छेती हो सके ना तुसी भी इस गल नूं हजम कर लो लै ला नजारे पहला कहा सी ना घर वाले नूं अपनी जेब च रखो अपने बस च रखो नहीं मन्नी उच नहीं माता रानी थानू अपने चरणों च नवाजे पाया जी बड़ी याद आती सी थोड़ी वार वार मिलन नू दिल भी करता सी पर मैं ये कदे नहीं सोचा सी कि मैं थानू इस तो बाद कदे देख नहीं पाऊंगी पर आज मैं थानू एक वादा करती हाँ ताया जी कि जो जिम्मेदारी तुसी मैनू दित्ती है इस नू मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी तुसी चिंता ना करियो इस घर का इस पूरी जायदाद का मैं पूरा पूरा ध्यान रखांगी ताया जी हेलो हाँ बेबे ओए तेजी पुत्त माफ कर दे मैनू पर की दसा सवेर दी मेहर पता नहीं किथे चली गई हर गली खूंजे वेख लिया मैनू नहीं मिली ओ किते ओ बेबे उन्हें किथे जाना बेचारी न्याणी ने इत्थे होनी है किते तू ध्यान नाल देख ओ बेबे दा फोन हैलो पैरी पैना बेबे लड्डू बोलदा ओ तू अपना बीपी ना वधा ली बेबे ओ ना जिथे भी हैगी है चंगी भली है मैं वधिया थां ते छड के आ तू ऐ कर लस्सी पी के टकार मार ओदी फिक्र ना कर चंगा बेबे करी बना अल्लाह जीजा कितने छट गया तू मेहर नू तू तो कहना सी मेहर नू अपनी बेबे कोल छटे आया अरे जीते राणो नाल ओनू जीजा मैं अनाथ आश्रम छट के आया बापू जी दे जान तो बाद ओ कल्ली रह गई सी ना ता मैं ते मेरी भैणा ने मिलके सलाह कीती कि ओनू किते होर छड आईए फिक्र ना करो जिथे भी है चंगी भली है नाले धीआं पालदियां कि सौखियां ने पहले दो दो घरे न्याणियां ने एक होर लिया के बोझ वधाई जाने शर्म कर लो तुसी दोवें भैण भरा इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं तुहाडे च कोई ना बापू का ख्याल रख सके ना बच्ची का वो इस घर का खून ही सी पर है तो साडी सी ना एडा वड्डा फैसला लै किवें लिया तुसी हैं किवें ले लिया एडा वड्डा फैसला वो भी साडी सलाह तो बिना हिम्मत किवें होई तुहाडी तुहानू पता भी है बापू जी की जान वसदी सी मेहर च चाहे हुण कुछ भी हो जाए मैं तुहानू छड के नहीं जाना बाऊ जी बाबू जी चाहे तुसी बोल नहीं सकते पर तुसी यही कहना चाह रहे हो ना मेहर मेरी धी मेरी बच्ची रो ना मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाना है ना बाबू जी जय माता चिंतपूर्णी दी हुण तुसी मेरे बाबू जी नू ठीक कर दियो प्रसाद खाओ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਠੋ ਤੇ ਖਾਓ देवी ब्रह्मचारिणी का नराता है सुपरेंटी ने सानू दस्या सी कि देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करन नाल सानू पढ़ाई विच मदद मिलती है। वैसे बाऊ जी इन्नी साल माता रानी नाल कटी रहन दे बाद भी सुपर एंटी नू हर माता बारे याद है, किस माता दा किवें श्रृंगार किया जांदा है, केड़े मंत्र पढ़ने ने, केड़ी आरती करनी है, उन्हां नू उसी तरह आंदे ने जिवें पंडित जी करदे ने। क्या बाऊ जी ओ रोटी ओ तां मैं खा ली सी, काम वो तो सारे खत्म कर ले सी। अच्छा रिजल्ट, रुको आ देखो बाबू जी मेनू सारे सब्जेक्ट्स विच ए प्लस मिले। रजी रानू हाँ हाँ वो भी चंगे नंबर लेके पास हो गया ने। बाऊ जी आखिर तुसे पूछना की चाहते हो कि रजी रानू ने तो हनु अपनी यहाँ किताबा भी खाई सी। मेरी किताबा तोड़े तो जगह मेरे लिए कोई भी जरूरी नहीं है बाऊ जी, जब तक तुसे ठीक नहीं हो जाते मैं स्कूल थोड़ी ना जा सकती हूँ। मैं तो थोड़ी सेवा करती तुम्हें छेती तो छेती तुरन फिरन ला देना। अही तो दोवे ताइया कहनिया ने पता है बाऊ जी सुपर आंटी ने दीपू ते मेले आज परांठे बना के भेजे सी, उत्ता बड़े स्वाद सी ते उन्होंने मेनू गुद करनी भी सिखाई। तुसी छेती नाल ठीक हो जाओ ना, मैं तानु उन्हें नाल मिलवाना, मैं थोड़ी उंगल फड़ के कुमने, तुसी छेती ठीक हो जाओ ना। ਬਾਵਾ ਕੁਛ ਤੱਬੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੁੜਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਦੇ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਬੁੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
इस तो पहला चुड़ैल दी इन्हां ते भी नजर पै जे मैं अपनी अलमारी च रख लैनी हाँ रख रख सारा कुछ अपना ही है रोक के तो वेखे दिमाग तो ठीक है लकोई की जानी है जो जिथे पिया उ रख दो सारा कुछ साडा नहीं है ना की मतलब है थोड़ा एवं किवें साडे नहीं रहे आ सारे गहने कट्टे ना रजी दे राणो नूं भी मिलने चाहिए ने जां फिर कह दो आ जिहड़ी कुड़ी आई है इह वी इहदे ने जिहदा कदे नां वी नहीं सुणिया सी पहला इस घर विच जिहड़ी चान चक आई ते साडे सिर ते चढ़ के बह गई इह लोकी इहने टेंशन च क्यों दिख रहे ओ चान चक नहीं आई ओह तुहाडे तों पहला बापू जी ने उहदे सिर ते हत्थ रख्या सी जे तुहाडा दिल वी उहदे वांगू साफ हुंदा ना ते सारा कुछ बापू जी ने तुहाडे नाम कर देना सी अगे चान चक आ गई वाह जीजा वाह ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਹਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਐਸਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾਲੇ ਨਾ ਚਾਰ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਲਏ ਆ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रातो रात ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅੱਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਬੈਠ ਜਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾ ਸੱਚੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਵੇਖੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਸਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਕਦੇ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਆਹ ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੂਗੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਊ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਨਾਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰੱਜੀ ਤੇ ਰਾਣੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹੋ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਚੰਗਾ ਸਵਾਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਬੁੜਾ ਛੁੰਛਣਾ ਫੜਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ
ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਬੁੜਾ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹਟਵਾਈਏ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਸਗੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਨ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਨਾ 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 ਮੇਰੀ ਭੋਲੀਏ ਭੈਣੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਘਿਓ ਸਿੱਧੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਪੀਪਾ ਹੀ ਟੇਢਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗਾ। ਹਲੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਬੁੜਾ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀਰੇ, ਬੁੜਾ ਮਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਟੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕੁਝ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ।